सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे MPPGCL का जूनियर इंजीनियर का जो पेपर हुआ था 2019 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, उसके हाफ क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो रिमेनिंग क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में कम्प्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। नहीं, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वोल्टेज ऑफ वी 150 एट एन एंगल 60 डिग्री वोल्ट इज अप्लाइड टू द लोड विच कैरीज अ करंट ऑफ 50 एट एन एंगल 30 डिग्रीज एम्पियर, द कॉम्प्लेक्स पावर सप्लाइड टू द लोड इज। तो कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है, केवीए में है, यानी कि वोल्टेज और करंट का सिर्फ मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ पे अपेरेंट पावर इन्होंने पूछा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली एस इज इक्वल टू वी आई मत कर देना, उससे आंसर है वो गलत आंसर हो जाएगा। जो कॉम्प्लेक्स पावर है हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट होता है वो, करेक्ट। आई का हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं, इसलिए वी हो गया यहाँ पे 150 एट एन एंगल 60 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा करंट है वो 50 एट एन एंगल 30 डिग्रीज का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लेने से जो एंगल है वो प्लस का है वो माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे वोल्टेज में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जो करंट है यहाँ पे उसमें जो एंगल है वो हो जाएगा माइनस 30 डिग्रीज, करेक्ट। तो यहाँ पे अभी सिर्फ मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पे पोलर फॉर्म में है तो डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 7500 एट एन एंगल यहाँ पे 60 एंड प्लस ऑफ माइनस 30 डिग्री, यानी कि टोटल हो जाएगा ये 30 डिग्रीज। ओके, ये हो जाएगा यहाँ पे वी है विच इज़ इक्वल टू 7.5 एट एन एंगल 30 डिग्रीज के वी है। ओके, यहाँ पे जो ऑप्शन वन है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं लिया तो क्या हो जाएगा, 150 into 50, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 7.5, लेकिन ये 60 डिग्रीज प्लस डायरेक्टली आप 30 डिग्रीज कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्रीज। तो ये भी ऑप्शन में गिवन दिया है, तो इसलिए ये कॉन्जुगेट वाला पोर्शन है ये मत भूलना, कि अगर आप अगर आपको पता नहीं होगा तो आपकी कॉपी में नोट डाउन करना। अगर कॉम्प्लेक्स पावर पूछा तो यहाँ पे होता है S into VI conjugate is equal to VI conjugate। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ हेज ब्रिज यूज टू मेजर। हमने लास्ट लेक्चर में पूरा टेबल देखा था, वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि जो क्यू वैल्यू है वो हम लोग ये फैशन में लिख सकते, याद कर सकते, AM देन H एंड O। तो ये क्या होता है, एंडरसन ब्रिज, सबसे लो वोल्टेज होता है क्यू का, वो हम लोग इससे मेजर करते हैं एंडरसन ब्रिज से। मीडियम के लिए हम मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का यूज़ कर सकते हैं। हेज ब्रिज होता है वो हाई वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस है, वो हम लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, हाई वैल्यू ऑफ द क्यू फैक्टर, तो ये क्वालिटी फैक्टर। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंडक्टेंस ऑफ अ हाई क्वालिटी वैल्यू। इंडक्टेंस हम लोग यूज इंडक्टेंस मेजर करते हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी फैक्टर है वो ज़्यादा रहेगा, ये हम लोग मेजर करते हैं हेज ब्रिज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 250 वोल्ट मूविंग आयन वोल्ट मीटर टेक्स अ करंट ऑफ 0.05 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट डीसी सप्लाई, द कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन द मीटर व्हेन कनेक्टेड टू 250 वोल्ट 100 हर्ट्ज सप्लाई, अज्यूम द इंपीडेंस एट 100 हर्ट्ज सप्लाई टू बी 6000 ओम्स। ओके, तो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया है, स्टार्टिंग में एक मूविंग आयर वोल्ट मीटर को सबसे पहले डीसी सप्लाई दिया है और बाद में एसी सप्लाई दिया है। तो डीसी सप्लाई देने के वजह से हमें जो सर्किट है वो करंट ड्रॉ करे 0.05 एम्पियर। ओके, जो मूविंग आयन वोल्ट मीटर रहेगा इसका सर्किट कुछ ऐसा रहेगा, आर और जो इंडक्टर है वो सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे, ये यहाँ पे है वोल्ट मीटर, और स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में कनेक्ट करेंगे यहाँ पे सोर्स या फिर सप्लाई जो है वो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सप्लाई, अगर हमने यहाँ पे डीसी सप्लाई दिया स्टार्टिंग में, उन्होंने कहा है 250 वोल्ट डीसी सप्लाई अप्लाई करेंगे, तो डीसी में जो इंडक्टेंस का वैल्यू है वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो है, तो इसलिए जो कोई भी हमें इंपीडेंस मिलेगा विच इज़ इक्वल टू द रेजिस्टेंस ओनली। तो स्टार्टिंग में इनिशियली जो डीसी है तब ये 0.05 करंट है वो ड्रॉ कर रहा है, और यहाँ पे फर्स्ट केस में यहाँ पे हो जाएगा 250 वोल्ट डीसी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए जो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे जो मिलेगा वो रहेगा 250 / 0.05, विच इज़ इक्वल टू, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा आपको 5000 ओम्स, करेक्ट। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि डीसी सप्लाई के लिए जो इंडक्टेंस है वो तो कोई यहाँ पे मायने नहीं रखेगा, तो जो कोई भी सर्किट का इंपेडेंस रहेगा विच इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस होगी, तो इसलिए हमें डायरेक्टली रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो मिल गया। आगे इन्होंने कहा है कि ये वन हेनरी का इंडक्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, और अभी यहाँ पे इन्होंने एसी सप्लाई वो अप्लाई किया 250 वोल्ट का विद एन 100 हर्ट्ज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहेगी, लेकिन इन्होंने आगे लिखा भी है कि अज्यूम द इंपीडेंस एट एन 100 हर्ट्ज टू बी द 6000 ओम्स, तो हमें अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इन्होंने डायरेक्टली कहा है कि जब भी एसी सप्लाई हम लोग अप्लाई करेंगे तो जो इंपीडेंस मिलेगा वो डायरेक्टली 6000 ओम्स ही मिलेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज और इंपीडेंस का इन्वर्स रेशियो रहेगा, क्योंकि अगर इंपीडेंस का वैल्यू बढ़ा तो वोल्ट मीटर कम रीड करेगा, और इंपीडेंस का वैल्यू अगर कम हुआ तो जो वोल्ट मीटर है वो ज़्यादा रीड करेगा।
तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ये वी डी सी डिवाइडेड बाई वी ए सी इज इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शन हम लोग कह सकते हैं जेड ए सी डिवाइडेड बाई जेड डी सी। हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्चुअली वी ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। ओके, तो ये हो जाएगा वी ए सी इज इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वी ए सी का इन्वर्सली प्रोपोर्शन, तो जेड डी सी डिवाइडेड बाई जेड ए सी एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा वी डी सी। सो इट इज़ कितना प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये 5000, इम्पिडेंस है 5000 क्योंकि रेजिस्टेंस ही हम लोगों को मिला था डी सी के केस में। जेड ए सी हो जाएगा यहाँ पे 6000 एंड मल्टीप्लाई बाय 250 वोल्ट ही हम लोगों ने डी सी में मिला था, ऐसा हम लोग अज्यूम करेंगे। तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 208.33 वोल्ट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इम्पिडेंस का वैल्यू अगर बढ़ा तो ड्रॉप उसमें ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए वोल्ट मीटर है वो कम मेजरमेंट है वो रीड करके आपको देगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स ऑफ अ फोर पोल डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ओके, तो डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पोल्स रहेंगे। तो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं वो इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ पोल्स के इन केस ऑफ सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अगर डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग हुआ तो वहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पोल्स। ओके, तो यहाँ पे डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में इक्वल कहाँ पे होते हैं, सिर्फ सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में यहाँ पे पैरेलल पाथ्स होते हैं वो ट्वाइस ऑफ द पोल्स होते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, फोर नंबर ऑफ पोल्स है और डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, तो इसलिए ए पैरेलल पाथ्स विल बी टू टाइम्स ऑफ द पी विच इज इक्वल टू एट। ए इज इक्वल टू एट पैरेलल पाथ यहाँ पे रहेंगे, ऑप्शन वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज अ स्टार्टर नेसेसरी टू स्टार्ट अ डीसी मोटर। ऑप्शन वन है बिकॉज इट हैज अ जीरो स्टार्टिंग टॉर्क। ऑप्शन बी बिकॉज इट बिकॉज एट स्टार्ट द बैक ईएमएफ इज जीरो। बिकॉज इट हैज अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड ऑप्शन डी इज टू रेस्ट्रिक्ट द हाई इनरश करंट। तो स्टार्टर यूजुअली हम लोग जो हाई इनरश करंट होता है उसी को कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन जो डी है वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 10 एचपी 600 आरपीएम डीसी शंट मोटर ड्रॉज अ लाइन करंट ऑफ 18 एम्पियर एट 500 वोल्ट। डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर अज्यूमिंग द 1 एचपी इज इक्वल टू 735.5 वाट। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा है, सिंपली इफिशियंसी पूछा है। तो इफिशियंसी क्या होता है, इट इज़ अ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, करेक्ट। तो यहाँ पे आउटपुट इन्होंने कितना दिया है, 10 एचपी ये रहेगा यहाँ पे आउटपुट, 10 एचपी यहाँ पे आउटपुट रहेगा, मतलब ये 10 मल्टीप्लाई बाय 735.5 एंड डिवाइडेड बाय इनपुट कितना रहेगा, यहाँ पे मोटर ड्रॉ कर रही है 18 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 500 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 500 वोल्ट, इतना इनपुट इसको मिल रहा है मोटर को, तो हो जाएगा 7355 एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 9000। तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको इसका आंसर कुछ मिलेगा 81.7 के अराउंड। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्टली इन्होंने इफिशियंसी पूछा था, इतना कुछ हार्ड नहीं था और जो पैरामीटर्स है वो भी दिए नहीं थे। ओके, यहाँ पे जो स्पीड का है वो भी कुछ काम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ कॉपर इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर एंड अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 3। ओके, तो इसका मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला है वो लिख के देता हूँ। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग करेंगे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द कॉपर। तो रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द कॉपर, अगर हम लोगों ने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की जगह उसको हम लोगों ने रिकंस्ट्रक्ट कर दिया एज अ ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह, इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है 3, तो कितना अमाउंट ऑफ जो कॉपर है वो हमें लगेगा फॉर ऑटो ट्रांसफार्मर, ये हो जाएगा 1 माइनस ए, जहाँ पे जो ए का वैल्यू है वो लेस देन हम लोग 1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 3 है, तो हम लोग यहाँ पे जो ए का वैल्यू है वो लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3। शायद स्टूडेंट कन्फ्यूज होगा कि ए का वैल्यू है वो 3 लेंगे या फिर 1/3 लेंगे, तो ये आप हमेशा याद रखना कि जो ए का वैल्यू हम लोग लेंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का वो हमेशा 1/3 वन से कम रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो हमें कॉपर लगेगा कंपेयर टू द टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर लगेगा 1 माइनस 1/3 टाइम्स ऑफ द टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ द टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर विच इज इक्वल टू 0.667। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली कॉपर लॉस में भी अगर इन्होंने पूछा तो कॉपर लॉस भी इतने होते हैं, कॉपर लॉस भी कम ही होता है। अगर वेट ऑफ द कॉपर कम हुआ मीन्स कॉपर अगर कम लगेगा तो उसमें जो कॉपर लॉस है वो भी उसी अमाउंट से कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर विल बी निगेटिव वेन द पावर फैक्टर एंगल फाई इज। यहाँ पे चार ऑप्शन है हम लोगों को दिखाई देंगे।
तो वोल्टेज रेगुलेशन और पावर फैक्टर कैसे चेंज होता है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर इस ओरिजिन से अगर हम लोग राइट साइड पे चले जाएंगे तो यहाँ पे हमें लैगिंग पावर फैक्टर मिलता है, जहाँ पे जो पावर फैक्टर होता है फाइ इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय आर। और अगर हम लोग लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें फाइ इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ आर डिवाइडेड बाय एक्स, करेक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर विल बी निगेटिव वेन द पावर फैक्टर एंगल इज। तो अगर हम लोग लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन हमें निगेटिव कब मिलेगा, यहाँ पे ये वाले साइड पे, करेक्ट। मतलब ये ग्राफ से लेफ्ट साइड की तरफ, यहाँ पे ये ग्राफ से यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ जो पावर फैक्टर जो एंगल है वो इस डायरेक्शन में यहाँ पे बढ़ेगा, ओके। ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे लैगिंग वाला लीडिंग वाला बढ़ता है, ओरिजिन के राइट साइड पे यहाँ पे लैगिंग पावर फैक्टर वाला जो एंगल है वो बढ़ते जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे हम लोग जीरो से यहाँ पे नेगेटिव की तरफ जाएंगे, मतलब जो पावर फैक्टर एंगल फाइ है यहाँ पे उसका वैल्यू है वो बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन वन है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फाइ इज ग्रेटर देन द टेन इनवर्स ऑफ आर डिवाइडेड बाय एक्स। अगर एग्जैक्टली हम लोग इस जगह पे देखेंगे ये वाला जो वैल्यू है वो हम लोगों को एग्जैक्टली यहाँ पे ओरिजिन पे मिल जाता है, करेक्ट। यहाँ ओरिजिन पे नहीं, यहाँ पे कट करता है एक्स एक्सिस को, जहाँ पे कट करता है वहाँ पे एग्जैक्टली उसका वैल्यू इक्वल रहेगा। और लेफ्ट साइड पे हम लोग जैसे जैसे चले जाएंगे, यानी कि फाइ का वैल्यू जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू हम लोगों को नेगेटिव मिलता जाएगा, और जैसे हम इसको कम करते जाएंगे इसका वैल्यू इस डायरेक्शन में बढ़ाते जाएंगे उतना ही ये जो रेगुलेशन है वो पॉजिटिव की तरफ हमें मिलता जाएगा, ओके। ये जो डायग्राम है कॉपी में नोट डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द वाइंडिंग इज सुटेबल फॉर द एच वी वाइंडिंग ऑफ अ स्मॉल ट्रांसफार्मर। ऑप्शन है सैंडविच वाइंडिंग, क्रॉस ओवर वाइंडिंग, ऑप्शन सी है कंटिन्यूस डिस्क वाइंडिंग या फिर हेलिकल वाइंडिंग। तो हम लोग देखते हैं एक बार थियरी। तो जो क्रॉस ओवर वाइंडिंग है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आर यूज फॉर द हाई वोल्टेज वाइंडिंग्स ऑफ अ स्मॉल ट्रांसफार्मर। यही पूछा था, स्मॉल ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज जो वाइंडिंग होती है उसमें कौन से टाइप का जो वाइंडिंग कनेक्शन है वो यूज होता है। तो ये होता है क्रॉस ओवर वाइंडिंग, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हेलिकल वाइंडिंग कहाँ पे यूज होता है, तो इट इज यूज फॉर द लो वोल्टेज एंड हाई कैपेसिटी ट्रांसफार्मर, एग्जैक्ट अपोजिट टू द क्रॉस ओवर वाइंडिंग। क्रॉस ओवर में क्या होता है, हाई वोल्टेज ऑफ अ लो ऑफ अ स्मॉल ट्रांसफार्मर, और जो हेलिकल होता है वो होता है लो वोल्टेज ऑफ अ हाई कैपेसिटी ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर द मैक्सिमम टॉर्क अंडर द स्टैंड स्टील अकर्स वेन द रोटर रेजिस्टेंस आर टू इज। तो स्टैंड स्टील में क्या होता है, स्टैंड स्टील में मतलब जहाँ पे रोटर है वो कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है, यानी कि जो स्टैंड स्टील एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो स्लिप का वैल्यू है वो हम लोगों को मिलेगा वन, करेक्ट। फॉर द टी मैक्सिमम, मैक्सिमम टॉर्क के लिए, मैक्सिमम टॉर्क के लिए फॉर टी मैक्स जो हमें स्लिप मिलता है जो होता है एस टी मैक्स का वैल्यू वो क्या होता है, इज इक्वल टू आर टू डिवाइडेड बाय एक्स टू, करेक्ट। तो अगर स्लिप का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे वन कंसिडर किया तो ये हो जाएगा आर टू डिवाइडेड बाय एक्स टू। मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है विच इज इक्वल टू हो जाएगा ये रिएक्टेंस का वैल्यू, ओके। यहाँ पे ऑप्शन में एक्स वन प्लस एक्स टू के बारे में दिया है, लेकिन ये ग्रेटर देन लेस देन नहीं होगा, ये इक्वल टू रहेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन वन है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थ्री फेज 50 हर्ट्ज 6 पोल इंडक्शन मोटर हैज ए स्लिप ऑफ 3%, वॉट विल बी द स्पीड ऑफ द मोटर, ओके। इंडक्शन मोटर में हमें पता है कि इसका जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से कम ही होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सिंक्रोनस स्पीड है वो ड्रॉ करके फाइंड आउट करेंगे। ये हो जाएगा 120 f डिवाइडेड बाय p, विच इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 50 हर्ट्स एंड डिवाइडेड बाय 6 नंबर ऑफ पोल्स, ये हो जाएगा 1000 rpm, ये हो जाएगा सिंक्रोनस स्पीड, करेक्ट। तो इसका जो इंडक्शन मोटर है वो इस स्पीड से कम पे ही घूमेगा, तो हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं 1440 1000 rpm, 1500 एंड 970 rpm। तो ये जो तीनों है वो इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन द 1000 rpm है, तो इसलिए जो तीनों ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन हो जाएगा स्टार्टिंग के, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो डायरेक्टली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, जो nr का वैल्यू रहेगा वो रहेगा ns टाइम्स ऑफ द 1 माइनस s, ओके। ये हो जाएगा यहाँ पे 1000 इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस स्लिप कितना है 3%, मतलब ये हो जाएगा 0.03। कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 970 rpm, ओके। तो कभी कभी कैलकुलेट करने की भी हमें ज़रूरत नहीं होती है, ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी हम लोग जा सकते हैं टू सेव द टाइम इन एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकिंग एक्शन अकर्स व्हेन द स्लिप ऑफ द इंडक्शन मोटर इज। ब्रेकिंग एक्शन जब होता है तब स्लिप का वैल्यू क्या होता है, बिटवीन द 0 एंड 1, ग्रेटर इक्वल टू या फिर लेस देन द 1। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे है ब्रेकिंग रीजन, यहाँ पे मोटरिंग रीजन और यहाँ पे है जनरेटिंग रीजन। तो जब ब्रेकिंग रीजन होता है तब स्लिप का वैल्यू क्या होता है, इट इज ग्रेटर देन द 1। जब मोटरिंग रीजन होता है तो इट इज़ बिटवीन द 1 से लेके 0 के बीच में, और जनरेटिंग रीजन में जो एस का वैल्यू है स्लिप का वैल्यू वो लेस देन द 0 होता है, यानी कि यहाँ पे निगेटिव होता है।
यहाँ पे बिटवीन 1 से लेके 0 के बीच में होता है, और यहाँ पे जो एस का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो अपना जो ऑप्शन है वो रहेगा ग्रेटर देन 1 फॉर ब्रेकिंग एक्शन। सिमिलरली अगर मोटरिंग भी पूछा तो भी आप आंसर कर सकते हो, जनरेटिंग पूछा तो भी आप आंसर कर सकते हो। तो एक ही क्वेश्चन में आपने 3 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर द रोटर इंड्यूस ईएमएफ पर फेज ईआर इज इक्वल टू द, वेयर ई नॉट इज अ रोटर इंड्यूस ईएमएफ एट अ स्टैंड स्टील एंड एस इज द स्लिप। तो यहाँ पे हमें ईआर का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। तो ईआर का वैल्यू होता है एस टाइम्स ऑफ द ई नॉट, जहाँ पे ईएमएफ जो हमें मिलता है वो होता है स्टैंड स्टील पे। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने एक्चुअल में डायरेक्टली, आप कॉमन सेंस भी यहाँ पे लगा सकते हो। देखो यहाँ पे इन्होंने ईआर पूछा है, तो ईआर तो ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईआर से ही तो हम लोगों को फाइंड आउट करना, तो ईआर पे ही डिपेंड नहीं होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन चला गया। यहाँ पे इन्होंने एस भी दिया है, तो कहीं ना कहीं पे एस भी यूज़ होता रहेगा, तो ये दो ऑप्शन तो चले गए आपके। तो अगर आपको टिक भी करना है तो आप इन दोनों ऑप्शन में भी टिक करके आ सकते हो, अगर आपको रिस्क लेना है वहाँ पे। तो ऑप्शन अगर आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको टिक करके आना है, तब आप इन दोनों में भी ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जा सकते हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी वहाँ पे बढ़ जाएगी करेक्ट आंसर होने की, डबल हो जाएगी डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ 3 फेज अल्टरनेटर द वीकनिंग ऑफ द मेन फ्लक्स ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन रिजल्ट इन, ओके। तो यहाँ पे अल्टरनेटर के बारे में पूछा है, वीकनिंग ऑफ द मेन फ्लक्स ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन। तो वीकनिंग हो रहा है मतलब जो आर्मेचर रिएक्शन है वो फील्ड फ्लक्स को अपोज करे, फील्ड एमएमएफ को यहाँ पे अपोज करेगा। तो जनरेटर या फिर अल्टरनेटर के केस में हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा फील्ड ईएमएफ, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा फील्ड एमएमएफ, यहाँ पे हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो जो फील्ड एमएमएफ है यहाँ पे, ये अपोज कब होगा, यानी कि अगर हम लोग इसको इस डायरेक्शन में, अगर इसका आर्मेचर रिएक्शन रहेगा तो ये इसको अपोज करेगा, करेक्ट। तो जो आर्मेचर रिएक्शन अपना बनेगा, मैं अलग कलर से दिखा, तो आर्मेचर जो रिएक्शन बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, मतलब यहाँ पे जो आर्मेचर करंट रहेगा वो इस फैशन में रहेगा, और इसलिए जो अपना आर्मेचर एमएमएफ रहेगा वो इसको अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा फील्ड एमएमएफ के। तो इसके वजह से ये अभी जो अपना रिजल्टेंट एमएमएफ बनेगा, रिजल्टेंट जो अपना एमएमएफ बनेगा वो यहाँ पे इस तरह से कुछ बनेगा, ओके, क्योंकि ये जो एफए है यहाँ पे इसको अपोज कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट एमएमएफ बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आईए का वैल्यू है वो लैग कर रहा है ईएफ से, तो इसलिए जो करंट है वो लैग कर रहा है वोल्टेज से, तो इसलिए ये हो जाएगा जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जीरो पावर फैक्टर क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्रीज का बन रहा है, 90 डिग्रीज मतलब कॉस 90, तो कॉस 90 कितना होता है, जीरो, तो कॉस 90 जीरो, इसलिए ये जीरो पावर फैक्टर और लैगिंग। अगर फ्रंट में होगा यहाँ पे, ऐसे अगर हम लोग अज्यूम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लीडिंग, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वीकनिंग के जगह पर यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मेन फ्लक्स, तो इसका जो वैल्यू है रिजल्टेंट का वो और आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अल्टरनेटर का था, एक बार बता देता हूँ, ये अल्टरनेटर का था। सिमिलरली अगर आपको मोटर का ड्रॉ करना है, तो आए हम लोगों ने अगर यहाँ पे ड्रॉ किया तो इसका अपोजिट हम लोग आए लेते हैं, वो यहाँ पे लेते हैं, और इसके हेल्प से हम लोग जो आर्मेचर रिएक्शन है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सिंक्रोनस मशीन डिलीवर्स लैगिंग रिएक्टिव पावर टू द सिस्टम वेन द ओवर एक्साइटेड, ओके। तो सिंक्रोनस मशीन हम लोग लास्ट लेक्चर में भी देखा था, जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वहाँ पे, उसको हम लोग पावर फैक्टर कंट्रोलर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो सिंक्रोनस जो मोटर होता है वो अगर हमने उसको ओवर एक्साइटेड कर दिया, ओवर एक्साइटेड जो सिंक्रोनस मोटर है वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करती है। कैपेसिटर की तरह बिहेव करने का मतलब क्या होता है, वो एब्जॉर्ब करती है कौन सी, लीडिंग रिएक्टिव पावर, इट एब्जॉर्ब लीडिंग रिएक्टिव पावर, इट एब्जॉर्ब द लीडिंग रिएक्टिव पावर, या फिर हम लोग इसको अल्टरनेट कह सकते हैं कि ये डिलीवर करता है लैगिंग रिएक्टिव पावर, इट डिलीवर्स द लैगिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है। और अगर ओवर एक्साइटेड का हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं, नहीं है तो फिर हम लोग अंडर एक्साइटेड का देख लेंगे। क्या है, डिलीवर्स द लैगिंग रिएक्टिव पावर When the system is over excited, okay? तो first option में हम लोगों को मिल गया है, बाकी के option तो check करने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। Delivers the lagging reactive power to the system when it is under excited, okay? तो under excited का भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार। Under excited में क्या होगा, under excited में वो as a reactive power की तरह, inductive power की तरह behave करेगा, या फिर inductor की तरह behave करेगा यहाँ पे, तो इसलिए it will absorb lagging reactive power, absorb lagging, एंड इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये डिलीवर करेगा लीडिंग पावर, ठीक है। ऑप्शन चेक क्लिक कर देते फटाफट।
डिलीवर्स लैगिंग रिएक्टिव पावर. डिलीवर्स लैगिंग कहा है यहाँ पे, व्हेन इट इज सिस्टम इज अंडर एक्साइटेड, नहीं ओवर एक्साइटेड पे होता है, ऑप्शन भी गलत हो जाए. ड्रॉज लैगिंग पावर मतलब एब्जॉर्ब लैगिंग पावर. ओके, एब्जॉर्ब लैगिंग पावर मतलब यहाँ पे अंडर एक्साइटेड होना चाहिए, लेकिन उन्होंने दिया ऑप्शन में ओवर एक्साइटेड, तो ये भी गलत हो जाएगा. एंड ड्रॉज अ लीडिंग रिएक्टिव पावर कहाँ पे है, ड्रॉज मतलब एब्जॉर्ब लीडिंग रिएक्टिव पावर, सिस्टम शुड बी ओवर एक्साइटेड, तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन में अंडर एक्साइटेड, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन हो जाएगा. आपके कॉपी में नोट डाउन कर लेना. ओके, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, मतलब वो डिलीवर नहीं करता है वो लीडिंग रिएक्टिव पावर, वो एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि कैपेसिटर भी एज जब वो कैपेसिटर होता है तो वो लीडिंग रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है, ऐसे हम लोग कहते हैं, करेक्ट. तो इसलिए एब्जॉर्ब लीडिंग रिएक्टिव पावर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर द ओवर एक्साइटेड केस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एन ऑक्सिलरी मोटर यूज टू ब्रिंग द सिंक्रोनस मोटर टू नियर द सिंक्रोनस स्पीड शुड हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ पोल्स एज कम्पेयर टू द सिंक्रोनस मोटर. ओके, कितना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि अगर ऑक्सिलरी जो मोटर है वो सिंक्रोनस मोटर को उसके नियर द सिंक्रोनस स्पीड की तरफ उसको ला रही है, तो इसका जो स्पीड रहेगा या फिर उसमें जो पोल्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, तो ऑब्वियसली इट इज़ इक्वल टू द सेम नंबर ऑफ द सिंक्रोनस मोटर के पोल्स के जितना ही वो रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तभी तो वो सेम स्पीड पे उसको ला सकता है इजीली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कंडीशन ऑफ फिक्स वी आर एंड एक्सेस द मैक्सिमम पावर डेवलप बाय सिंक्रोनस मोटर इज अ गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. जहाँ पे वी सप्लाई वोल्टेज है, आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड एक्सेस सिंक्रोनस रिएक्टेंस. ओके, यहाँ पे मेन क्या कहा इन्होंने, मैक्सिमम पावर डेवलप बाय सिंक्रोनस मोटर. ओके, तो सिंक्रोनस मोटर के बारे में अगर आपको पता भी नहीं होगा, अगर आपने बहुत थोड़ी पढ़ाई करके जा रहे हो एग्जाम में, फिर भी आप अपना कॉमन सेंस का यूज़ करके वहाँ पे एग्जाम में टिक करके आ सकते हो. नेटवर्क थ्योरी तो पढ़ा रहेगा ना, नेटवर्क थ्योरी में हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम तो पता है. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, लिखते हैं हम लोग वी टी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 RTH. करेक्ट, वी टी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 RTH. तो सेम देखो ना यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन वन ही मुझे दिख रहा है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में सेम देखो, कुछ ना कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे से इंटरलेट करके ही आपको आने चाहिए. अगर आपने इन डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अभी आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन के लिए, तो आपके जो कोई भी आप पढ़ रहे हो वही आपको बाकी के सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं पे आपका अप्लाई हो रहा है क्या, ये आपको देखना पड़ेगा. जैसे नेटवर्क थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. टू ऑपरेट द टू अल्टरनेटर्स इन पैरेलल विच ऑफ देयर क्वांटिटीज मस्ट बी सेम, एक्टिव पावर, पावर फैक्टर, फेज सीक्वेंस या फिर रिएक्टिव पावर. ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. फेज सीक्वेंस बेसिकली उसका करेक्ट होना चाहिए. अगर फेज सीक्वेंस उल्टा हो गया तो यहाँ पे जो सर्कुलेटिंग करंट है वो फ्लो हो सकता है और अनबैलेंस जो करंट है वो फ्लो होने लगेगा, जो पूरा सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा यहाँ पे. तो इसलिए पैरेलल ऑपरेशन के टाइम यहाँ पे जो आपको मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो हो गए फेज सीक्वेंस दोनों का सेम होने चाहिए. बाकी का नहीं होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिजायरेबल कंडीशन रहेगी, लेकिन फेज सीक्वेंस सेम होना ये मैंडेटरी कंडीशन है, मतलब ये आपको चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई भी सेक्रीफाइस नहीं चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द टैरिफ इन विच द टाइप ऑफ अ टैरिफ इन विच अ कंज्यूमर इज पेनलाइज और गिवन अ डिस्काउंट वेन द पावर फैक्टर फॉल्स बिलो और अबाउ द रेफरेंस वैल्यू रिस्पेक्टिवली इज. तो हम लोग सबसे पहले इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा स्लाइडिंग स्केल टैरिफ. उसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, जनरलाइज डेफिनेशन क्या होता है स्लाइडिंग स्केल फीस का या फिर स्लाइडिंग स्केल टैरिफ का. द स्लाइडिंग स्केल फीस आर अ टाइप ऑफ अ टैक्स और अ कॉस्ट दैट मे चेंज डिपेंडिंग अपॉन द एसोसिएटेड फैक्टर. मतलब कोई भी एक फैक्टर के ऊपर उसका जो वैल्यूज है, टैक्सेस है, कॉस्टिंग है, वो चेंज होगी. सच फीस आर डिजाइन टू कैप्चर द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ एन अंडरलाइंग वेरिएबल. अंडरलाइंग वेरिएबल मतलब ये किसी दूसरे पैरामीटर पे डिपेंड करता है. अगर ये पैरामीटर चेंज हुआ तो आपका जो ओरिजिनल फीस वगैरह है वो भी चेंज होगा. तो यहाँ पे जो अंडरलाइंग वेरिएबल है वो है यहाँ पे पावर फैक्टर. तो इसका मतलब पावर फैक्टर चेंज होने की वजह से जो कोई भी टैरिफ है वो चेंज होगा, उनको जो कोई भी डिस्काउंट या फिर उनको जो पेनलाइज करना पड़ेगा उसका वैल्यू चेंज होगा. तो पावर फैक्टर वेरिएशन ज़्यादा हम लोगों को नहीं करना चाहिए. पावर फैक्टर जितना क्लोजर टू द यूनिटी रहना चाहिए उतना ही हमारे लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और पूरे सिस्टम या फिर ग्रिड के लिए भी वो अच्छा होता है. ओके, तो इसलिए अगर आपका पावर फैक्टर बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा हुआ एक सर्टन रेंज के बाहर, तो आपको वो पेनलाइज कर सकते जो कोई भी आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर रहेगा वो. तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फ्यूजिंग फैक्टर वैल्यू इज ऑलवेज. ओके, तो सेम एज इट इज़ फ्यूजिंग फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो एक ही एग्जाम में भी पूछा था 2019 में ही, वहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली वैल्यू से क्वेश्चन है वो पूछा था. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्यूजिंग फैक्टर इट इज़ मोर देन द वन. यहाँ पे ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा.
यही थ्योरी मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी, आपको ऊपर मिल जाएगी। फ्यूजिंग फैक्टर से रिलेटेड भी हम लोगों ने इन डिटेल में वीडियो बनाई है, अगर आप जेई के जो एस्पिरेंट्स है वो अगर आप देख रहे हो फर्स्ट टाइम तो वो वीडियो और वो पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो जरूर से देखना बीएमसी जेई का। जेई के लिए जो कोई भी एग्जाम है उसके लिए आप जरूर से फॉलो कर सकते हो, आपको इन डिटेल में वहाँ पे सारे क्वेश्चन की थ्योरी और क्वेश्चन इन डिटेल में आपको मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट करना, ऊपर मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ए का पेपर भी आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है फ्यूजिंग फैक्टर का, यहाँ पे डेफिनेशन है और यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ द फ्यूजिंग फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वन। तो वो वीडियो जरूर से चेक करना, आपको बेनिफिशियल होगा आगे आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम इकोनॉमिकल वोल्टेज रेंज फॉर अ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इज। ओके, तो अगेन ये फैक्चुअल डेटा, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैक्सिमम इकोनॉमिकल इन्होंने पूछा है, ओके, मैक्सिमम कितना रेंज है वो सह सकता है इन्होंने नहीं पूछा है। द मैक्सिमम इकोनॉमिकल वोल्टेज रेंज यहाँ पे पूछा है विच इज इक्वल टू 36 kV फॉर द वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अभी आया है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का, तो साथ साथ में SFC सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, ये सारे भी एक बार जरूर से चेक करना, उससे भी रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। मैं प्लेलिस्ट के लिंक यहाँ पे दे दूंगा या फिर वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएगा, जरूर से देख लेना एक बार। सो विच टाइप ऑफ द अरेस्टर हैज द फॉलोइंग असेंबलीज। टाइप वन इज सीरीज पार्क गैप्स एंड द टाइप टू इज नॉन लीनियर रजिस्टर डिस्क इन सीरीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वाल टाइप अरेस्टर में ये दो कैटेगरीज होते हैं, फर्स्ट वन इज सीरीज पार्क गैप्स, द सेकेंड वन इज नॉन लीनियर रजिस्टर्स डिस्क इन सीरीज। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी प्रोवाइड कर दिया, अगर आपको चाहिए तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंडल कंडक्टर्स आर यूज टू, तो बंडल कंडक्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं? रिड्यूस द रेगुलेशन, रिड्यूस द कोरोना डिस्चार्ज, रिड्यूस लाइन कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर रिड्यूस द टोटल वेट ऑफ द कंडक्टर। तो बंडलिंग कंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, सिंगल कंडक्टर की जगह पे हम लोग छोटे छोटे डिफरेंट कंडक्टर्स है वो हम लोग यूज करते हैं, वो सेम ही पावर है वो ट्रांसफर करते हैं जितना सिंगल कंडक्टर कर सकता है, लेकिन उसके वजह से जो कोरोना डिस्चार्ज है उसका वैल्यू है वो कम हो जाएगा, या फिर कोरोना लॉस जिसे हम लोग कहेंगे उसका वैल्यू है वो कम हो जाएगा। तो ये होता है एडवांटेजेस ऑफ द बंडल कंडक्टर, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द नंबर ऑफ लैंप रिक्वायर्ड टू इल्यूमिनेट अ रूम ऑफ अ एरिया 200 m² टू अ लेवल ऑफ 310 lux। अज्यूम द यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ 0.6, मेंटेनेंस फैक्टर ऑफ 0.63 एंड लूमेन आउटपुट ऑफ द ईच लैम्प 2850 lumen। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट करें, कितने नंबर ऑफ लैंप लगेंगे। एरिया दिया है 200 m² का एक एरिया, जहाँ पे जिसका लूमेंस हम लोग कहीं पे भी मेजर करेंगे तो हर एक जगह पे उसका जो लूमेंस है वो 310 होना चाहिए। साथ साथ में जो लैंप दिया है उसका यूटिलाइजेशन फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर भी इन्होंने दिया है, क्योंकि जो कोई भी लैंप है वो 100% हम लोग उसका जो लाइट है वो 100% फॉल नहीं होता, या फिर हम लोग क्लीनिंग करने के वजह से डस्ट पार्टिकल उसके ऊपर जमा होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उसका लाइट का जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाता है। तो इसलिए ये जो पॉइंट्स है इसको हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा, यूटिलाइजेशन फैक्टर एंड मेंटेनेंस फैक्टर, और हर एक लैंप है उसका जो लूमेन है वो 2850 lumen हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें क्या सबसे पहले फाइंड आउट करें कि टोटल लूमेंस हम लोगों को कितना लगेगा, टोटल लूमेंस यहाँ पे कितना लगेगा ये पर्टिकुलर एरिया में, अगर हर एक जगह पे हमें 310 लक्स यहाँ पे चाहिए रहेगा तो विथ दिस फैक्टर इंक्लूडिंग। तो यहाँ पे टोटल ग्रॉस लूमेन हमें लगेगा, टोटल ग्रॉस लूमेन रिक्वायर्ड, टोटल ग्रॉस लूमेन हमें कितना लगेगा और उसे हम लोग डिवाइड करेंगे ईच लैम्प का कितना, ईच लैम्प का जितना लूमेंस रहेगा वो उसे डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को नंबर ऑफ लैम्प्स है वो मिल जाएगा। ये हम लोग डिनोट करते हैं फाइव से, जो होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय द कितने लक्स हमें लगेगा पर हर एक जगह पे, डिवाइडेड बाय द यूटिलाइजेशन फैक्टर एंड मल्टीप्लाई बाय द मेंटेनेंस फैक्टर। ओके, ये फॉर्मूला आपने कॉपी में नोट डाउन करना, टोटल लूमेंस रिक्वायर्ड का डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 200 × 310 डिवाइडेड बाई 0.6 एंड मल्टीप्लाई बाई 0.63। ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना। ओके, यहाँ पे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो लैंप आपको लगेंगे, नंबर ऑफ लैंप आपको लगेंगे वो ये वैल्यू रहेगा, इसका कुछ मैं x अज्यूम करूँगा, तो x यहाँ पे न्यूमरेटर में आप कंसिडर करोगे और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2850, क्योंकि हर एक लैंप का, ओके, यहाँ पे हो जाएगा टोटल ग्रॉस लूमेंस रिक्वायर्ड एंड ईच लैंप का टोटल लूमेंस कितना, ये है 2850, तो इससे हम लोग को मिलेगा नंबर ऑफ लैंप। तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 57 something कुछ मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे 58 लैंप है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप अप्रॉक्सीमेट करोगे तो कुछ पॉइंट में आपको आंसर मिलेगा, तो अगर आप अप्रॉक्सीमेट करोगे
तो इसका आंसर आपको मिलेगा राउंड फिगर पे 58 लैम्प्स, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जेफेट हैज द फॉलोइंग पैरामीटर्स, VGS ऑफ IDSS एंड VGS, यहाँ पे इन्होंने दिया है, द ड्रेन करंट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने पूछा है। तो जेफेट के केस में ड्रेन करंट का फॉर्मूला इस तरह से कुछ होता है, ID इज इक्वल टू IDSS इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाई VGS कट ऑफ इंटू द ब्रैकेट का होल स्क्वायर, वेयर ID होता है ड्रेन करंट, IDSS होता है ड्रेन करंट विद द गेट शॉर्टेड टू सोर्स, VGS होता है गेट टू सोर्स वोल्टेज एंड VGS कट ऑफ होता है पिंच ऑफ गेट टू सोर्स वोल्टेज। क्या करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोग सब्सिट्यूट करेंगे, तो ID का वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ पे ड्रेन करंट का वैल्यू होगा IDSS, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 30 × 10⁻³ मिली के वजह से इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस VGS, कितना दिया है VGS है -4 एंड डिवाइडेड बाय दिया है VGS कट ऑफ जो दिया है -8, इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर, कितना होता है ये 30 × 10⁻³। ओके, ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए ये 1 माइनस हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 30 × 10⁻³ इंटू हाफ, 1 - 1/2 इज हाफ हो जाएगा और हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। ओके, तो 30 / अगर हम लोग 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 × 10⁻³ एम्पियर, विच इज इक्वल टू अपना ऑप्शन हो जाएगा 7.5 mA। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ID1 इन द गिवन सर्किट। ओके, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है 15 वोल्ट का, नहीं दिख रहा तो हाईलाइट कर दूंगा, 15 वोल्ट का यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, दो डायोड है D1 D2, यहाँ पे एक रेजिस्टर है 10 kΩ का और यहाँ पे नीचे एक रेजिस्टर है 5 kΩ का, तो ID1 का यानी कि ये करंट कितना होगा, यहाँ पे इन्होंने हमें पूछा है। तो आइडियल यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया है, डायोड आइडियल नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पे सिलिकॉन डायोड अज्यूम करना पड़ेगा, तो इसलिए उसका जो वोल्टेज हमें कंसिडर करना पड़ेगा 0.7 वोल्ट, वो भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, प्रैक्टिकल डायोड हमें कंसिडर करना पड़ेगा अगर दिया नहीं है तो। कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में कुछ ऑप्शंस होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में डायोड आइडियल लेके सॉल्व कर दे, कभी कभी प्रैक्टिकल डायोड लेके सॉल्व करते हैं, तो दोनों आप चेक करके देखो, पहले प्रैक्टिकल वाला देखो, अगर उससे आंसर मैच नहीं हो रहा है तो फिर आप आइडियल वाला कंडीशन लेके सॉल्व करके एक बार ज़रूर से देखना, दोनों आपको एक साथ में तो नहीं मिलेंगे, अगर आपको एक साथ मिलेंगे तो वहाँ पे मेंशन किया जाएगा कि डायोड है वो प्रैक्टिकल है या फिर डायोड है वो आइडियल है, तो आपको जैसा दिया है क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग आपको कंसिडर करना पड़ेगा। 0.7 वोल्ट यहाँ पे दोनों में कंसिडर करूँगा प्रैक्टिकल डायोड के वजह से। यहाँ पे करंट ऐसा हम लोग इसी लूप में फाइंड आउट करेंगे तो ही हम लोग को ID1 का वैल्यू है वो मिल जाएगा, इसे ID1 ही मैं लिख लूँगा, तो हो जाएगा 15 = 0.7 + 0.7 + 5 × ID1। ओके, ये 0.7 हो जाएगा 1.4, तो 15 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हो जाएगा 13.6 = 5 × ID1। ओके, तो ID1 का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, विच इज इक्वल टू 13.6 V / 5 kΩ का रेजिस्टर, कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 2.72 mA। ओके, यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द आइडियल डायोड इज कैरेक्टराइज बाय, अब यहाँ पे आइडियल डायोड से पूछा है, तो इनफाइनाइट नी वोल्टेज, तो इनफाइनाइट अगर नी वोल्टेज हो तो नी वोल्टेज मतलब क्या, जहाँ के जिस वोल्टेज के बाद यहाँ पे जो डायोड है वो एक्चुअल में कंडक्ट करना स्टार्ट करता है, तो अगर इसका वैल्यू है नी वोल्टेज का वैल्यू अगर इनफाइनाइट होगा तो फॉरवर्ड में तो डायोड कभी कंडक्ट करेगा ही नहीं, करेक्ट, तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सेकेंड है इनफाइनाइट एवरेज एसी रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट एवरेज एसी रेजिस्टेंस मतलब जो रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड बायस के केस में वहाँ पे उसका जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो मतलब अगेन ये यहाँ पे कंडक्ट नहीं करेगा। सेकेंड नंबर इज जीरो रिवर्स रेजिस्टेंस, तो जीरो रिवर्स रेजिस्टेंस मतलब रिवर्स अगर बायस हम लोगों ने किया तो रिवर्स बायस में भी वो डायरेक्टली फ्लो करने देगा करंट को, लेकिन ऐसा होता है कि डायोड रिवर्स बायस में नहीं, रिवर्स बायस में तो वो ब्लॉक कर देता है करंट को फ्लो करने के लिए टू सर्टन एक्सटेंट तक, तो आइडियली इसका जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, जो रेजिस्टेंस है वो रिवर्स बायस रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन डी अभी बचा जो है जीरो एवरेज एसी रेजिस्टेंस, करेक्ट, ये होता है आइडियल केस में जीरो एवरेज एसी रेजिस्टेंस। तो दो टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, एक होता है स्टैटिक दूसरा डायनेमिक, स्टैटिक मतलब होता है डीसी रेजिस्टेंस और जो डायनेमिक होता है उसे हम लोग कहेंगे एसी रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे ग्राफ के हेल्प से हम लोग समझ लेंगे, तो यहाँ पे आप डॉटेड लाइन जो देख रहे हो यानी कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे आप सॉरी ये जो डॉटेड लाइन है एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर करंट मिल रहा है वो होता है डीसी रेजिस्टेंस या जिसे हम लोग कहेंगे स्टैटिक रेजिस्टेंस। ओके, ये जो डॉटेड लाइन है कोई पर्टिकुलर एक वोल्टेज पे आपको एक ही वैल्यू ऑफ जो करंट है वो मिलता है, ये होता है स्टैटिक रेजिस्टेंस का। और यहाँ पे आपको जो ट्रायंगल दिख रहा है यानी कि बेसिकली स्लोप,
तो जो एसी रेजिस्टेंस होता है ना, एसी रेजिस्टेंस जो होता है वो बेसिकली चेंज इन द वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन द करंट होता है। तो ये स्लोप होता है जो एसी रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग कहेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस। ओके, तो इसका जो वैल्यू है वो आइडियली जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉमन बेस कनेक्शन इफ द एमिटर करंट इज 2 एम्पियर एंड द कलेक्टर करंट इज 1.95 मिली एम्पियर, देन द बेस करंट विल बी। सेम क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में, यही पेपर है MPPGSL के 2019 में ही, सिर्फ ऑप्शन है वो चेंज हो गए थे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है वो तो सेम ही दिया रहेगा ऑब्वियसली। तो जो आई करंट होता है एमिटर करंट, इट इज़ अ एडिशन ऑफ कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, राइट। आई बी हमें पूछा है बेस करंट का वैल्यू, विच इज इक्वल टू एमिटर करंट माइनस कलेक्टर करंट। तो ये हो जाएगा 2 मिली एम्पियर माइनस 1.95 मिली एम्पियर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.05 मिली एम्पियर। फिर जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वेन डज एन ट्रांजिस्टर वर्क एज एन इन्वर्टर, ट्रांजिस्टर इन्वर्टर की तरह यहाँ पे वर्क कब करेगा, इन्वर्टर मतलब इस तरह से कुछ, करेक्ट। इन्वर्टर इस तरह से होता है, यानी कि वो हम लोग कहेंगे कि एज अ स्विच की तरह वो कब एक्ट कर सकते हैं इन्वर्टर की तरह। वेन ऑपरेटेड इन अ सेचुरेशन रीजन, वेन ऑपरेटेड इन कट ऑफ रीजन, वेन ऑपरेटेड बिटवीन द कट ऑफ एंड सेचुरेशन रीजन, इट डज नॉट एग्जिबिट द स्विचिंग प्रॉपर्टी इन एनी रीजन। नहीं, अगर सेचुरेशन में है मतलब वो कंटिन्यूसली ऑन रहेगा, अगर कट ऑफ रीजन में मतलब वो कंटिन्यूसली ऑफ रहेगा। वेन ऑपरेटेड बिटवीन द कट ऑफ एंड द सेचुरेशन रीजन, तभी वो एज अ इन्वर्टर की तरह बिहेव करेगा। तो ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटर ऑफ अ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर हैज अ मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्प्लेस इन स्पेस बाय 90 डिग्री, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज या फिर 360 डिग्रीज। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्रीज स्पेस में वो डिस्प्लेस होते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड द मेन वाइंडिंग। ओके, यहाँ पे आप डायग्राम में भी एक बार चेक कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ऑक्सिलरी वाइंडिंग और जो मेन वाइंडिंग है वो स्पेस में भी 90 डिग्री से डिस्प्लेस होते हैं। ओके, और यहाँ पे बीच में है रोटर, और ये जो सर्किट है आपको आउटर साइड में दिखाई दे रही है, यह स्टेटर, यही पूछा था ना, स्टेटर ऑफ द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिड्यूस द कम्यूटेशन डिफिकल्टीज द यूनिवर्सल मोटर्स आर डिजाइन विद, ऑप्शन है वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड, मॉडरेट मैग्नेटिक फील्ड या फिर कम्यूटेशन प्रॉब्लम डज नॉट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिवर्सल मोटर के लिए अगर कम्यूटेशन हमें कम करना है तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है टू मिनिमाइज द कम्यूटेशन प्रॉब्लम द यूनिवर्सल मोटर्स आर डिजाइन विद हाई रेजिस्टेंस ब्रशेस, इंक्रीज द ब्रश एरिया एंड द लास्ट वन इज मॉडरेट मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, मॉडरेट मैग्नेटिक फील्ड। यूनिवर्सल मोटर में हम लोग एसी और डीसी भी देते हैं, लेकिन वो अच्छे से डीसी मोटर डीसी सप्लाई पे ही बिहेव करता है, एसी पे उस पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि कम्यूटेशन प्रॉब्लम्स। तो जैसे कम्यूटेशन प्रॉब्लम है, ये कम करने के लिए हम लोग ये जो तीन यहाँ पे मेथड्स दिए हैं वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हाई रेजिस्टेंस ब्रशेस, इंक्रीज ब्रश एरिया या फिर मॉडरेट मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके हम लोग उसको एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं यूनिवर्सल मोटर को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इफिशियंट टाइप ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर रन, स्प्लिट फेज कैपेसिटर टाइप या फिर शेडेड पोल। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको पता रहेगा, नहीं पता है तो अभी लिख लेना कि इसका करेक्ट आंसर है शेडेड पोल टाइप। इसका जो इफिशियंसी होता है वो बहुत कम होता है, लेसर देन द 30%, 5% से लेकर 30% के बीच में इसका जो इफिशियंसी होता है, और ये लो पावर एप्लीकेशन में ही यूज होता है, बिकॉज यहाँ पे इस पे जो एफिशिएंसी है वो ऑब्वियसली कम होती है। इसके वजह से इंडक्शन मोटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडक्शन मोटर से हम लोगों ने ऑलरेडी 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, वो आपको यहाँ पे साइड स्क्रीन पे मिल जाएंगे। तो इतने ही क्वेश्चंस थे MPPGCL के जूनियर इंजीनियर के पेपर में, AE का पेपर भी आप जरूर से चेकआउट करना, उसकी लिंक भी आपको यहाँ पे साइड में मिल जाएंगी। तो अगर आपको और भी कुछ डाउट है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।